नुकसान ये लगता है कि आपने रमाकांत से पैसा वगैरह लिया है, इस वजह से केस जो है कुछ मध्यम हो गया है, इसी वजह से वो छूट गए हैं। इसके बारे में मतलब नाजरीन को बताएं कि क्या ये सच है? वो रमाकांत जिसने चार ठाकुरों का जिंदा गड़वा दिया, मालती का ब्लाउज फाड़ दिया, चार चार मरता वजीर आला हो गई, उस दलित समाज के उस इंजीनियर को मार दिया ट्रैक्टर से खिंचवा करके, कभी जेल नहीं गया। अल्लाह का एहसान था कि मैं ईमानदारी की सच्चाई देता, मैंने उसको पहली मरत अपनी जिंदगी में जेल दिया और 11 महीना 18 दिन 17 घंटा वो जेल में रहा। मैं इन लोगों को सवाल करना चाहता हूँ जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, एक हरामखोर ने, हरामखोर कहता हूँ कि काम करने वाले को रोड़ा अटकाते हैं, एक रुपया ला करके मदद की होगी लोगों को, मौलो मुकदमा लड़ो। क्या आप अभी मुकदमा लड़ रहे हैं? आज भी लड़ रहे हैं, इतने ही नहीं। मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक 4 करोड़ रुपया देकर के जमानत हुई थी, कई जजों ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, इसलिए हमने सारे केस पहुंचा दिए थे वहां, ऐसा केस कभी लड़ा ही नहीं गया। और चलिए हमने पैसे ले लिया, फूलपुर पुलिस तहसील का भी केस था 27 साल पहले का, सारा आप लोग बता दो, सुना होगा शायद, पैदा ना हुआ आपको? नहीं नहीं, पैदा तो नहीं हुआ, लेकिन ये याद है मतलब। वहां पुलिस भी मरी थी, पुलिस तक मरी थी, हमारे इसी आजमगढ़ से 2 महीना पहले ये 27 साल भागा रहा उसमें, बाकी सारे लोगों को सजा हो गई, ये भागा रहा उसमें, ये बाइक गड़ी हो गया, उसमें किसी ने पैसा लिया था? उस पुलिस वाले केस में जहां पुलिस मरी हो उसमें भी हमारे इस केस से 2 महीना पहले बारिश लकड़ी हो गया, और उसी जज ने वो फैसला दिया जिसने अजीम तारिक को जेल सजा दी है बाराबंकी में, वही वो जज है, उसी ने इसको छोड़ा बारिश तक। तो कुछ लोग अपने भी आम साथ ही पैसा लिया था, उसमें कैसे बारिश लकड़ी हो गया? ये वो तमाम लोग हैं जिनको आमिर नसादी से परेशानी है, उन मौलवियों को परेशानी है जो अपने उन सेठों को खुदा समझते हैं, लिहाजा जो भी इंकाम थे बयान बदलने का 20 रुपया खर्च कर लें, बहुत मशहूर केस है, कचहरी चले जाए, कचहरी के दरवाजे में कोई कुत्ता होगा वो भी भूख के बता देगा मुकदमे के नंबर, आदमी नहीं, इतना मशहूर केस हुआ है, उस केस का नंबर ले लें, जाकर के मेरा बयान पढ़ लें। मुझे क्या कहना था, यही नहीं कि आपने गोली मारी जी। जो जज उसको फैसले में छोड़ रहा है वो ये जज लिख रहा है कि आमिर रशादी का बार बार कहना कि रमाकांत ने गोली मारी राजनीतिक द्वेष से, यानी उन्होंने ये बात कही है, रमाकांत उस वक्त अपने फला घर पर मौजूद थे, वो वहां पर मौजूद भी नहीं थे, उन्होंने इसको फंसाने के लिए आमिर रशादी ने बार बार ये बात कही। अगर हम ये नहीं कहते कि रमाकांत ने गोली मारी तो जज अपने घर से लाके जुमला लिख देता, तो फैसले की कॉपी ले लें, 20 रुपया खर्च होगा और 20 रुपया बयान का खर्च होगा, दोनों फैसले खुद पढ़ लें, हाथ कंगन को हाथ से किया, पढ़े लिखे को हाथ से किया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जज ने फैसला किया था उस जज के खिलाफ हमने हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया, वो जज भी सस्पेंड हो चुका जिस जज ने फैसला किया था। तो अगर मैं गलत होता, पैसा ले लिया होता, तो क्या मैं उनके खिलाफ, जज के खिलाफ लड़ पाता? जज ने पैसा लिया था वो मैंने पकड़वा दिया, जुडिशियल इंक्वायरी उस जज की 2-2 हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो चोर साबित हुआ, रिश्वत कुछ सारी दुकानें जहां बनवाई थी, जहां कॉलेज बनवाए थे, सब पकड़वा दिए हमने। तो अल्लाह का फजल था कि अल्लाह ताला ने मुझे वहां भी बाइज्जत बरी किया, तो वो एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिकीन चाहते थे कि फूक से हक को खत्म कर देंगे, तो मैं ये कहना आज कहना चाहता हूँ फूकों से ये चिराग बुझाया जाएगा इंशाल्लाह ताला, आप गढ़ते रहेंगे हमारे खिलाफ, शुरू में भी हमारे खिलाफ बहुत सी चीज गढ़ी गई है, निजाने कितने इकदाम लगाए गए हैं, मैं क्या हूं चिपिद्दी के शोरबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने नहीं छोड़ा,